काहे चूतिया मनावा जरू कहा गया चला गया कि नहीं पहले प्यार से कहें पाँव छुई जी जा कुछ राव साले मंत्री आया है। अबे साले बोल के नहीं आवत बना मजे के पहली पहली भाई पूरा होना जौन मार मारी साना ये भैया आंधी भाई आ रहा तो पता चल जात है सही आया लेकिन यहाँ साला आवाज चुप्पे चुप्पे हाँ यार दीही समरे हरा फरा फरा सही यार हमारा आखी तीन भिन्न हो लगी हम तो चुप्पे निकल ली वो तनन पर लगा लेंगे दिमाग हम हूँ हाँ। कहन क्या कह रहे थे साले यहाँ हम कहा सवाल के जवाब हाँ। कहन कैसा सवाल हाँ। हम कहा काजी नंबर दा दे पाओ नहीं ठीक और काज नहीं तू दे पाओ बिहारी की न दे पाओ जवाब कौन सवाल आ यार कहना हम कहा लम्बा दार एक रहे टाइट हुई हाँ। एक रहे पाव छुई एक रहे जीजा ठीक टाइट हुई तो मर गए मर गए बताओ को बताओ बच्चा तू ही बता दियो हम मरे मने के बताते नहीं बड़े प्यार से कहीं मंत्री जी कहीं टाइट हुई मर गए तो महाबली बचे पाँव छुई जीजा तो हम कहा खुश रहो साले बहुत सही करे बिहारी लाल हाँ। मारिन तो मारिन का भा हाँ। लेकिन जीजा को भाली हाँ यार समय का इंतजार करो तो अगर इनसे पप्पा न कहवाई तो महाबली नाम नहीं नाम नहीं बहुत सही यार करो आज जीजा कहने ना हाँ आओ चला जाए यार नहीं टाइम हो चुका है 4:30 होगा हाँ यार अगर आएगा तो अपनी मौत है आओ भी चलो चलते हैं चलो यार धरो कोनो गर्मा गर्म लेकिन कैसे चलोगे हाँ, लगाइए फिर कोनो फिल्मी गाना एक बात ये बताओ कौन सा तुम्हारे मेहराऊ घर में है कि नहीं ना या साला हमें मेहरन भगे पीछे नहीं एका साले चोर का कबो घरे न ले जाओ मंत्री आ यार मेहरारू तो नहीं ना ये बड़े की एका विश्वास नहीं ना मेहरारू हमें नहीं अम्मा तो होबे करी है अम्मो नहीं ना अम्मो नहीं ना नहीं मौसी 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 नहीं ना यार या साला सबका भोजन बैठ का हो मौसी नहीं एक बात जान लियो कौन सा दूसर का यार इनके मौसिन के चक्कर में मंत्रिया पा रहा है कैसे लेकिन एक बात जान लो बंबई वालों ने कहा बंबई वालों ने कि जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है नाम है भाई और जिस मने के नाम हो और जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है हाँ। और जिसके बीबी ना हो वो 2 किलो आलू ला लिए आलू छीले वही में नाव कमाए नहीं यार वह के नाव है जैसे हमें नहीं ना जैसे तुम्हें नहीं ना कैसे नाम होगा अरे जिसकी बीबी ना हो ना हो ना हो उसका भी बड़ा नाम है चा? और सबको अपनी समझो तुम्हारे का अपन समझी एक साले के छुरी हमें गटेब का है लड़का का हम दूसरे का गुड़ काटा का पहले तुम्हारे गुड़ काटा गाना यार गाना नहीं हमें घरे पहुंचो जाए अरे घरे तो परसों पहुंचा हमें घरे जावन को धैजे तुहे नररी बलात आंखी तीन भिन्न हो जाई सही हां कैसे अरे जिसकी बीवी ना हो उसका भी बड़ा नाम है और सबको अपनी समझो बीबी का क्या काम है सबको अपनी समझो बीबी का क्या काम है ए, जिसकी बीबी मोटी 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 जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या ए जिसकी बीबी लंबी 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 जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है तुम दोनों गाने बजाने में पड़े हो
आग लगी है। अबे चाले चपड़ा यहाँ गाना गा रहे है और मलकिन के बिल में आग लगा, मेरे दिल में आग लगी है, दिल में तुम दोनों ने सुना भरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला, भरे दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुणमती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दिए और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए और क्या कहा, जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाए तो दोनों को आधा आधा राज दे देना। और मुझको क्या कहा, एक अच्छा सा राजकुमार देकर हाँ। इसके हाथ पीले करके हाँ। इसे ससुराल भेज देना। तो राजकुमार ने देखा कौन भैंसा देखा, से मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई साहब दोनों आंख के अंधे हैं। एक ले एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी, यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो? अगर मैं चाहती तो इस राज के दो हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज में जितना हक मेरे भाई साहब का है ठीक उतना मेरा भी है आपका। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों? और रही बात हाँ। राजकुमार की तो? किसी न किसी तरीके से हाँ। अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा हाँ। मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमे हाँ। लेकिन बिहारी लाल अफसोस हाँ। इस बात का है कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया, निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती। नहीं 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 मलकिन, आप राज की मलका बन सकती हो हाँ। कैसे बिहारी लाल? वैसे कि आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। निर्भय सिंह को? हाँ, मार पीट ना करो, सेनापति को बुलवाइए और उसको अपने चक्कर में आई लव यू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है हाँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। नक्शे के लिए, नक्शे के लिए जब तक नक्शा मिल नहीं जाता उसको अपने चक्कर में फंसाइए। नक्शा मिल गया समझो सारी दौलत मिल गई। तो ठीक कहता है बिहारी लाल जी। बिहारी लाल इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह जी विक्रमगढ़ के सीमा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। उनको फोन लगाइए और उनसे कहिए हाँ। कि मैंने उन्हें याद किया है, फौरन आ जाए। पाई थी हम टच करे से दबावे में ठीक रहा था। नंबर बताओ हम का काम मालूम, हम संजा खाए सवेरे भूल जाए तो का खावा है, ये तो नंबर है आए हाँ। तो नंबर बताओ 98 38 12 15 70 ठीक। और ये हम मालकिन यह नंबर ना मिलो, यह तो हमारे बुआ के नंबर है। अब हमारे बुआ हमका फिर गली आई हाँ। तो दूसरा नंबर बताओ, सेनापति के नंबर है 91 33 28 37 हाँ, यह नंबर है। आप देखो कहाँ जाते, अरे माई हूँ मोबाइल स्विच ऑफ, यह नंबर गलत है। दूसरा नंबर मिलाओ, दूसरा नंबर है 99 84 088 400 5 85। आप नंबर देखो सही है। घंटी गाय पेलुआ घंटी। हेलो हेलो जीजा जी नमस्ते। ये तो हमार सारी बोल रही। हेलो हेलो हाँ जीजा जी। ओ का हाल चाल यार? कुछ नहीं, बैठी हूँ। अरे यार ढेर दिन बाद फोन लगा है हाँ।
कहीं एक चुम्मा दियो फोन पर। पादमा का जीजा चुम्मा यार ये जीजा हुआ चली हो कहाँ हिया गोली न खवाओ यार आ? गोली न खवाओ हे जीजा सुनेल की दारू पी के खटिया पर मौत मारत हो या के बता दी यार दीदी हटो झूठ है की। अच्छा यार एक काम करो क्या काल हो काले तो बे ए जीजा का कहियो पिकौड़ी पकड़ लाउड़ी हाँ हाँ ले तो ए जीजा एक चीज और लेता ना और का केला केला हाँ ले तो अच्छा एक काम करो यार क्या हुए मिली हो कल कहाँ पे मिलो यार वही मुर्गी फार्म के बगल में ठीक है 3 बजे मिलो ठीक है फोन रखो आई लव यू जीजा आई लियो लियो बात पूरी हो गई काल मिली है हाँ 3 बजे ओ मुर्गी फार्म के पीछे जादे हमें मुर्गी फार्म के पीछे काकले भोर मिला था भोर गलत हमें सारी हराम चाहते हमें काहे की पारी है तू साली और सरहा चेक कर पा रहा है एक गोली खत्म नहीं गिर गए जो उन मार मार रहे एक गोली गिर गए की जनों दोनों गोली खत्म हो गई न विश्वास हो टोल लियो हर आप जाने दूसरा नंबर नोट कर नंबर बताओ 94-52-07-02 क्यों नहीं तो साफ साफ बताओ हमका जानो तुम कम पढ़े हम कम पढ़े हो हाँ वही 94-54-510-0-57-02 इतना जीरो नहीं है हाँ, 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 हाँ। बताओ सब जीरो है जीरो देखो कहाँ घंटी यार कई घंटी हेलो हेलो कौन हम क्या नाम है नाम है कहाँ को फोन किया है अपना नाम बता वहाँ से फोन किया है ये सही सही बोल कहाँ से बोल रहा है सही सही यहाँ से बोल रहा है तक फोन कट बहुत सड़ी के ये कौने नशेड़ी के नंबर दे दियो काट फोन रख फोन बहुत सड़ी के गाली बकता है गाली बके कितने नंबर डाल किया था बोल वही तमाम जीरो पेल दिन अरे बदतमीज 057-02 सिर्फ 2 जीरो हैं खाली 2 जीरो हम तमाम जीरो नहीं फिर से नंबर मिला उन्हें मारूंगी ना नहीं तो कहे ना अंत पेल जाए खाली 2 जीरो हैं हेलो हेलो कौन हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल आप कौन बोल रही हैं चुप बोल रहे हैं सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ ओ साहब नमस्ते 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 बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में इंतजार कर रही हैं नो बिहारी लाल क्यों हम इस वक्त नहीं आ सकते क्यों नहीं आ सकते क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर जा रहे हैं और अगर खास कोई काम हो तो हमें फोन पर ही बता दीजिए एक मिनट फोन मत काटना हाँ ठीक है मलकिन सेनापति नहीं आ सकते वो सीमा सड़क की निगरानी कर रहे हैं कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए हाँ जी ऐसी बातें होती हैं ठीक फोन में नहीं बताई जाती ठीक आमने सामने की जाती है यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएगी जी तो उन्हें आना पड़ेगा
मतलब कोनो महीन काम है। हेलो बोलिए भाई लाल। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। यानी जरूरी बात है जी, तो ठीक है राजकुमारी जी से कह दीजिए। हाँ। हम अपने साथियों को सीमा बॉर्डर पर अलर्ट करके हाँ। और शीघ्र अपने हेलीकॉप्टर पर बैठकर हाँ। राजमहल में उपस्थित हो रहा हूँ। आइए आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके आ रहे हैं। सेनापति है तेज से और बजा रहा आदाब, और क्यों बुलवाई हो मुझे और पया कौन सा कहिए। राजकुमारी साहिबा आपने फोन करवा के हमें सीमा बॉर्डर से राजमहल में बुलाया है, क्या बात है राजकुमारी जी? हम जानना चाहते हैं कौन सा काम है, क्या बात है? क्या बात सेनापति निर्वेश, आइए सामने आइए। सबसे पहले आप एक काम कीजिए। काम? आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। नहीं राजकुमारी जी, ये शमशीर मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि हमारी इस शाही शमशीर में बहुत से धार है, और इसी धार कहीं आपको लग गई तो फिर क्या होगा? सेनापति जी शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और ऐसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है, इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी आप तो नाहक नाराज हो रही हैं। नाराज हो मत हूं आप, अगर आपकी इच्छा है ये शाही शमशीर देखने की तो मैं इसे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप हमारे महाराज की बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। तो लीजिए राजकुमारी साहिबा देखिए शाही शमशीर को, ये कोई मामूली शमशीर नहीं है बल्कि ये मेरे नाम की शमशीर है। देखिए इस पे मेरा नाम लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़, देखकर वापस कर देना। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़ मेरे नाम। सेनापति जी राजकुमारी आप इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाते? क्यों? इस शमशीर में जंग लगा हुआ है। अरे तो सही रहेगी तो महाबली, इस शमशीर में धार लगवा के आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? राजकुमारी जी परेशान होने वाली बात ही है ये, आपको मालूम नहीं है उस शमशीर के विषय में, वो मेरी शाही शमशीर है, उसमें मेरा नाम लिखा है, यदि मेरी शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाता है और शमशीर को अगर बरामद कर लिया जाए तब तो हम फंस सकते हैं। राजकुमारी जी कुछ भी नहीं होगा। नहीं शमशीर मंगवाइए प्लीज। आप परेशान क्यों होते हैं? अरे हाँ मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए। क्या नहीं राजकुमारी जी नहीं, हम आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने दादा पर दादाओं अपने बुजुर्गों से इतना ज्ञान इतनी शिक्षा प्राप्त हुई है कि बड़ों का अदब करना उनका सम्मान करना ये मेरा परम कर्तव्य है, और आप मेरे महाराज की बहन हैं और मैं कुर्सी पर बैठूं आप खड़ी रहें ये अच्छी बात नहीं है। सेनापति जी आप बैठे, आप इस कुर्सी की बात करते हैं। हाँ, इस कुर्सी की। अरे सेनापति जी मैं तो तुम्हें
अपने इस दिल के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, कैसी बातें करती हैं आप? मैं अच्छी बातें करती हूँ। ये गलत बात है, अच्छी बात है। प्लीज ऐसी बातें मुझसे मत करो। राजकुमारी जी, आखिर आपके कच्छ के ये सभी दरवाजे लॉक क्यों हो गए? इसलिए सेनापति जी, इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। राजकुमारी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसी गंदी बात हमसे मत कहिए। ये गंदी बात है और क्या है? अरे कुछ तो ख्याल करो, महाराज की बहन हो आप, मैं ना करूँ महाराज का। हो मैं तो मुद्दतीश मरती हूँ तुम पे सलम, मैं तो मुद्दतीश मरती हूँ तुम पे सलम। दिल तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ, और आज पलंग पे मेरे प्यार लश्के कमरे। वाह भाई वाह, ये हाल है तुम्हारा है? तुम्हें देखकर ऐसा हाल हो गया तो क्या करूं? राजकुमारी साहिबा, लेकिन एक बात मेरी आप कान खोल करके सुन लीजिए। महाराज का खाया हुआ नमक मेरी रगों में दौड़ रहा है, महाराज का शान हम पे है, और महाराज की मान मर्यादा इज्जत का ख्याल रखता हूँ, और महाराज के ये मर तो सकता हूँ, मिट सकता हूँ, परंतु ऐसी हरकत मैं कतई नहीं कर सकता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अरे हर बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं, जो प्लीज नो बात सी मुझी को सुनाओ नहीं, बात सी मुझी को सुनाओ नहीं, मुझको अपने कलहे से लगाओ नहीं, मुझे आप हे राजन की बहना, अरे कुछ शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए, और अपने भाई अपने और भैया को सैया बनाओ नहीं, अपने ये
जमाना वो नहीं मुझको अपने गले से लगाओ नहीं। और जरा सुन ले मेरे दिल जा क्या सुन ले तुम्हारी का जरा सुन ले मेरे दिल जा जो कहती हूँ कर ले कविता के भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मरे और राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहर। खामोश हो जाइए अपने शब्दों को विराम करो ऐसी बात मत करना। अरे महाराज की बहन हो और सगी बहन हो करके भी अपने भाई को मरने की मनाती हो और जिस नन्ही मुन्नी बच्ची की सगी बुआ हो और बुआ हो करके बच्ची को जहर देने की बात करती हो तुम्हें तो चिल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सेनापति जी कहते हैं जो किया शर्म उसके फूट गए अगर तुम कहो ना तुम कहो तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे प्यार में। शट अप आई लव यू आई हेट यू आई हेट यू। के भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए मरे राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी चेहरे और बना लूंगी अपना भरता जरा सुन ए लड़की गुस्ताख गुस्ताख हो जरा सुन ए लड़की गुस्ताख करो ना